साईं बाबा के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर कालीबाड़ी मंदिर से एक भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें एम्स गोरखपुर के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्रनाथ सहित अन्य श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के पालकी को अपने कंधों पर लेकर शोभा यात्रा में शिरकत की। आपको बता दें कि यह पालकी शोभा यात्रा कालीबाड़ी मंदिर से घंटाघर, रेती चौक, धर्मशाला, गोलघर सहित अन्य मार्गों पर गाजे बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों साईं भक्तों की मौजूदगी में निकाला गया। इस अवसर पर एम्स के डिप्टी डायरेक्टर अश्वनी कुमार, माहौर समाजसेवी भानु प्रकाश मिश्रा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, साईं गुरु वर के परमानंद 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 साईं
खुशी है कि हम इसमें सम्मिलित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि साईं जी की याद में और उनके स्मरण में ये पालकी का शुरुआत की है, उद्घाटन किया है और इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। ये हम एम्स गोरखपुर की तरफ से बहुत बहुत सबको मुबारकबाद देते हैं कि इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया साईं जी की पालकी निकाल करके, और हमारे साथ सारी जनता है और हमको बहुत ही हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और हमारा कोटि कोटि प्रणाम मंदिर के संस्थापकों को और सारी जनता को जिन्होंने इसमें सहभागिता दिखाई है, धन्यवाद।